जितना अफसोस हो रहा है कि मैं सनी की वजह से नहीं आ पाई, लेकिन हर वक्त मैं तुम दोनों का सोचती हूँ कि कितना टफ टाइम होगा तुम दोनों के लिए। घर कब जा रही हो? पता नहीं। एहतिशाम ने नहीं बताया वो कब लेने आ रहे हैं? डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का काम है, जब ठीक हो जाऊंगी तो आ जाऊंगी। तुम इतना लंबा बेड रेस्ट? डॉक्टर ने तुम्हारे सामने कहा क्या? क्या मतलब? मैंने नहीं सुना कि डॉक्टर इतना लंबा बेड रेस्ट देते हैं। तुमसे एक बात पूछूं तो माइंड तो नहीं करोगी? क्या वो तुम्हें घर ले जाना चाहते भी हैं या नहीं? किस तरह का सवाल है मां? वो मुझे घर क्यों नहीं ले जाना चाहेंगे? पता नहीं यार, इतनी बड़ी बात हुई है और हम औरतें तो काफी कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन मैन बहुत वीक होते हैं। वो तुमसे नाराज नहीं है? नहीं, वो मेरा ख्याल रखते हैं, वो चाहते हैं कि मैं रेस्ट कर लूं, बस और कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने देखा है तुम्हारा बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। अरे याद आया, मैंने सुना कि सानिया को एज एन असिस्टेंट रखा है उन्होंने। सानिया? हाँ, मुझे इतनी खुशी हुई सुन के। और 1.5 लाख सैलरी दे रहे हैं उसे। तुम्हें शाम ने नहीं बताया? नहीं, वो काम में बिजी होंगे इसलिए बताना भूल गया। तुम्हारी इतनी क्लोज फ्रेंड को रखा है, तुम्हें बताना भूल गए? बादाम खिलाया करो उनको। वैसे यार तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, कभी कभार ऐसी एक्सपीरियंसेस लाइफ चेंजिंग होती हैं। माहम तुम क्या बोल रही हो? वो बेचारे सिर्फ काम में मसरूफ हैं और कुछ भी नहीं है। मतलब वो तुमसे मिलने भी नहीं आ रहे? आई थिंक तुम इस बात को बहुत इजी ले रही हो। सुनो, एक बात कहूँ तो तुम एहतिशाम से तो नहीं कहोगी? क्या? लेकिन पहले वादा करो, अगर आतिफ को पता चल गया वो बहुत नाराज होंगे मुझसे। माँ हम क्या बात है बताओ? मैं कभी कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन लेकिन क्या बात है? तुमसे शादी करने से पहले एहतिशाम की मंगनी कहीं और हुई थी? हाँ, 6 महीने रही थी। क्यों? उनकी मंगेतर सानिया थी। ये मैं कैसे करूंगी? मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगी। नहीं, मैं कर सकती हूं। मैं इस आदमी को जीतने नहीं दूंगी। पहले की बात और थी, मैं उसे अपने साथ जाती नहीं करने दूंगी। मैं भी उसे दिखाऊंगी कि मैं इतनी बेवकूफ और कमजोर नहीं हूं जितना उसने मुझे समझ रखा है। मैं भी एक कॉम्पिटेंट ऑफिस वर्कर बन सकती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सैरिश, एहतिशाम ने खुद आतिर को बताया है। तुम्हारी सास ने कभी कुछ नहीं कहा? हम औरतें कुछ भी कर लें, ससुराल वाले तो ससुराल वाले ही रहते हैं। देखो मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एहतिशाम भाई का अफेयर चल रहा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उन्हें तुम्हें बताना चाहिए था, और अगर वो नहीं तो कम से कम तुम्हारी सास को बताना चाहिए था। उसने आतिफ को क्या कहा? बस ये कि सानिया उनकी मंगेतर रह चुकी है और ये बात सैरिश को ना पता चले। मैं एहतिशाम से पूछ। नहीं सुनो प्लीज, ये मत करना, मरवाओगी। अगर एहतिशाम ने बताना होता वो खुद बता देते। सिंपल सी बात ये है कि वो छुपा रहे हैं, अब रीजन जो भी हो। मगर एहतिशाम ने मुझसे आज तक कुछ नहीं छुपाया माहम। जो छुपाया उसका तुम्हें क्या पता होगा, और कितनी बातें होंगी जो उसने नहीं बताई होंगी। और एक बात याद रखना, कोई मर्द अपनी बीवी को हर बात नहीं बताता है। मैं भी आतिफ से कभी भी उसकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं पूछती हूँ, मुझे पता है वो कभी सच नहीं बताएगा। तुम्हारा तो मुंह ही उतर गया,
मेरा मकसद तुम्हें इतना परेशान करना नहीं था। मैंने तो तुम्हें ऐसे ही बता दिया और तुम इतनी परेशान हो गई हो। देखो सारे के सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, और मेरा मशवरा लो, वो तुम्हें बुलाए या ना बुलाए तुम घर वापस चली जाओ। सीरियसली सरेश, मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आपको मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बैठिए। देखिए सानिया, मैं नहीं जानता कि आपको मुझसे क्या क्या शिकायतें हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहती हूँ। बेहतर होगा अगर आप ये बातें ऑफिस में ना करें। फिर आपको भी मेरे साथ अनबायस्ड होकर काम करना चाहिए। देखें, कोशिश करें पुरानी बातें भुलाकर सिर्फ एक कॉलीग की तरह काम करें, वरना आपके इस एटीट्यूड के साथ तो काम करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर एटीट्यूड से आपका मतलब लोगों से बेतकल्लुफ होना है तो वो मैं नहीं हो सकती, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको मेरे काम से कोई शिकायत नहीं होगी। ये प्रोजेक्ट की फाइल, इफ यू कैन जस्ट रीड दिस एट होम, इसको अच्छी तरह देख लें, मैं आपको कोई पॉइंट्स हो तो आप मार्कडाउन कर लें, आप मुझे ईमेल भी कर सकती हैं। आप इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद तो समझ चुकी हैं? जी मैं समझ गई। आप घर पे काम कर लेंगी? तो मुश्किल हो तो मैं आपके लिए, मुझे कोई स्पेशल फेवर्स की जरूरत नहीं है, जो काम है आप मुझे बता दें, मैं कर लूंगी। बता दूं या होमवर्क डायरी में लिख के? मजाक करने की मेरी पुरानी आदत, आप ये आदत बदल दें, मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे पाला पड़ गया, अब हर बात सोच समझ के करनी पड़ेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? सरेश को घर ले आए हो? नहीं अभी तक नहीं लाया। जबी, मैं घर फोन कर रही थी तो वहाँ कोई फोन ही नहीं उठा रहा था, उसे वापस क्यों नहीं लाया अब तक? ले आऊंगा अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना आजकल काम बहुत है, वो घर आके परेशान हो जाएगी। वो घर पे परेशान नहीं होती, वो अपनी माँ के घर परेशान होती है, तुम उसका नेचर नहीं समझते? ऐसा मत करो बेटा। मैं कुछ नहीं कर रहा। कमाल है, उसे मैके छोड़ा हुआ इतने दिनों से और कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, उसने जान के तो कुछ नहीं किया था ना। मम्मी प्लीज, अब इस किस्से को दोबारा मत छेड़। अच्छा नहीं छेड़ती, लेकिन आज ही जाओ और उसे लेकर आओ। आपसे उन लोगों ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ, उसे लेकर आओ वरना मैं वापस आ रही हूँ। आपकी मर्जी। एहतिशाम। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। लाने के बाद अगर तुमने एक दफा भी उससे कुछ कहा ना तो देखना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। क्या हो गया अम्मी आपको? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, मुझे भी तुमसे तभी बात करनी है जब सहरिश तुम्हारे साथ बैठी हो। क्या प्रेशर डाल दिया? हेलो। हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरेश से बात करनी थी। बेटा वो तो चली गई। कहाँ चली गई? अपने घर। कैसे हो बच्चे? ठीक। कैसा रहा आपका दिन? अच्छा। खाना खाओगे? नहीं, आप मुझे बाहर खेलने के लिए चले। आज मैं बाहर नहीं जा सकती, खाना बनाना, आपको थोड़ा ऑफिस का भी काम करना है। घर पे भी ऑफिस का काम? सिर्फ आज।
देखो आप यहाँ बैठो वर्कबुक के साथ, मैं साथ में खाना भी बनाऊंगी और आपका वर्कबुक भी कराऊंगी, ठीक है? खोलो खोलो, ठीक से बैठो। जी अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। जी वो फिजिबिलिटी तैयार हो गई मेरे पास, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। लो शुरू हो गई हरकतें। कैसी हरकत? आज कल ऑफिस से आई थी, शोहर को सास को सलाम किया, खैरियत पूछी और आज देखो बेटे के साथ बैठी हुई है। इतनी तौफीक नहीं हुई कि आके तुम्हारी खैरियत पूछ रही। वो आ गई? लो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो आ गई है? प्याज जलने की बू है, जाओ जाकर देखो। आज तो कच्चे पक्के जले खाने खाने को मिलेंगे, जाओ देखो जाके उसे एहसास दिलाओ कि ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। समझ में आई? सानिया। जी मैं अभी आ रही थी। कमरे में आओ। बस इसको एक मिनट। अगर चाहती हो कि मैं बच्चे के सामने कुछ ना कहूं तो फौरन आओ। नाम की कोई चीज है तुम्हें? बंदा घर आता है पहले मां के पास जाता है, शौहर के पास जाता है, तुम अपने कामों में लग गई हो। जॉब की परमिशन दी है, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ। बच्चे को देखो, बदतमीज से बदतमीज हुए जा रहा है, क्या असर पड़ेगा उस पर? हस्बैंड को सपोर्ट करेगी? दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। यह आखिरी मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें, अगर इसके बाद मुझे शिकायत का मौका मिला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठिकाने आएगी ना तब मजा आएगा। काम खत्म कर लिया था आपने? मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट रखी हुई है। नहीं। फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं। चलो फिर आप लेट जाओ, मैं घड़ी वहां रख रही हूँ, सो जाओ तुम।
जानते हो ये क्या है? आइस। आइस कभी झूठ नहीं बोलती। अब मुझे सच सच बता दो, चश्मा तुमने तोड़ा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बोलो बोलो, नहीं तो मारूंगा। आवाज सुनाई दे रही है मेरी तुम्हें? तुम्हें पता है कितने कीमती डॉक्यूमेंट्स थे वो? इतना महंगा चश्मा तोड़ दिया तुमने, कोई एहसास है तुम्हें? नहीं है। जवाब लगाता है बदतमीज, बर्बाद करके रख दिया तुम्हारी माँ ने तुम्हें। बहुत पढ़ी लिखी है ना वो, जॉब करके अपने शौहर को सपोर्ट करेगी, तुम्हें तो संभाल नहीं सकती। तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। ठहरो, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। तुम्हारी आदतें खराब कर दी हैं सारी। जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी ना, तुम सुधरोगे नहीं। हाथ बाहर निकालो, बाहर निकालो हाथ। रोना बंद करो लड़कियों की तरह। अगर आपने मेरे बच्चे पे बिना वजह हाथ उठाया या अपनी फ्रस्ट्रेशन उसमें निकाला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अली, ठीक कहा तुमने, जो है वो मेरे दिमाग में है, तुम्हारे ऑफिस में तो नहीं है। अब मुझसे क्यों बात करोगे? तुम्हें कोई और जो मिल गया बातें करने के लिए? अगर शक दिल में...